हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड गुड एंड आपकी प्रिपरेशन भी वेल इनफ बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज लेकर आई हूँ आप सभी के बीच एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब की अपडेट, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रहा है EMRS यानी कि एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल की तरफ से। टीचिंग एंड नॉन टीचिंग दोनों ही पोस्ट के रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट आई है 2023 के रिगार्डिंग। तो ये फॉर्म जो है लास्ट आपका सितंबर मंथ में आया था, जिसका डेट एक्सटेंड कर दिया गया। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं कि किन किन पोस्ट के ऊपर क्या सब आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सिलेक्शन की प्रोसेस है। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम लोग फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। एज आई टोल्ड यू कि EMRS में टीचिंग एंड नॉन टीचिंग दोनों ही पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट आई है। दोनों पोस्ट को कंबाइन करके अगर देखें तो टोटल पोस्ट है आपका 4062। नॉन टीचिंग पोस्ट की जो डिटेल है वो है इस प्रकार से फ्रेंड्स, कि आपका लैब अटेंडेंट का वैकेंसी है जिसका मैक्सिमम एज 30 ईयर्स है। इसमें आपको 373 पोस्ट रखा गया है। 10+2 भी था, अगर आपने साइंस सब्जेक्ट से आपने 10+2 कर रखा है, मतलब कि ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। 10+2 पास आउट विद साइंस तो आप एलिजिबल रहने वाले हो। सेकेंड पोस्ट है नॉन टीचिंग में जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट JSA की, मैक्सिमम एज 30 ईयर्स। पोस्ट है आपका टोटल 759। इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्लस एलिजिबिलिटी है 10+2 विथ इंग्लिश, मतलब कि इंग्लिश सब्जेक्ट आपका होना चाहिए 12th क्लास में। टाइपिंग इंग्लिश का 35 वर्ड्स पर मिनट एंड हिंदी के लिए 30 वर्ड्स पर मिनट की रखी गई है। थर्ड जो पोस्ट है आपका अकाउंटेंट का, मैक्सिमम एज इसके लिए भी 30 ईयर्स है। एंड पोस्ट आपका यहाँ पे 361 है। अकाउंटेंट की पोस्ट है, इसके लिए आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, मतलब BCom आपने कर रखा है, कॉमर्स सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया तो आप एलिजिबल रहने वाले हो। चलिए अब देख लेते हैं टीचिंग पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी रखा गया है, कितना सीट है। प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए है 303 पोस्ट, मैक्सिमम एज 50 ईयर्स है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का है 2266 पोस्ट एंड मैक्सिमम एज 40 ईयर्स यहाँ पर रखा गया है। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो है डिस्कस करेंगे वो नॉन टीचिंग पोस्ट के ऊपर। अगर आप टीचिंग पोस्ट की रिगार्डिंग ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हो तो इसका कंप्लीट आपको डिटेल मिलेगा इसके नोटिफिकेशन में, जो कि मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगी। अदरवाइज आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हो, उसमें आपको इसके रिगार्डिंग डिटेल मिल जाएगी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फॉर्म का जो अप्लाई डेट होगा, जैसा आप सभी को मैंने पहले भी बताया कि सितंबर में ना 27th को ये फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो गया था। लास्ट डेट टू अप्लाई का जो टाइमिंग था ना, उसका डेट एक्सटेंड कर दिया गया, मतलब कि अब आप 19 अक्टूबर तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए जो आपका फी रखा गया है, जनरल OBC EWS का 1000 रुपीज एंड अदर कैंडिडेट्स 0 रुपीज। एज लिमिट आपका कब से आपका कैलकुलेट होगा, योर एज विल बी कैलकुलेटेड एज ऑन 31st July 2023। रिलैक्सेशन भी मिलता है, OBC को 3 ईयर्स का एंड SC ST को मिलता है 5 ईयर्स का। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है बहुत ही सिंपल होता है। आप एक सिंगल स्टेज एग्जाम पास करते हो, उसके बाद सिंपली आपका इंटरव्यू कम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, देन आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाती है। तो चलिए अभी हम लोग देख लेते हैं कि लैब अटेंडेंट का, मतलब पोस्ट वाइज देखेंगे, तीन पोस्ट है, तीनों का हम लोग एग्जाम पैटर्न देखेंगे, क्योंकि जो तीनों पोस्ट है ना एक दूसरे से काफ़ी अलग है। एलिजिबिलिटी में आपने देखा कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस है, चलिए हम लोग समझ लेते हैं। लैब अटेंडेंट के लिए जो एग्जाम पैटर्न है उसमें 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स के लिए। समय मिलता है आपको 2.5, मतलब कि 2.5 घंटे का पेपर होगा। निगेटिव मार्किंग भी रहता है 0.25 का। रीजनिंग के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के लिए, जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के लिए, हिंदी एंड इंग्लिश के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, विच मीन्स के 15 क्वेश्चन आपके रहेंगे हिंदी के एंड 15 रहेंगे इंग्लिश के। सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज जो होता है वो 60 क्वेश्चन आपका रहेगा 60 मार्क्स के लिए। JSA यानी कि जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की पोस्ट के रिगार्डिंग 130 क्वेश्चन आपका आता है पेपर में, 130 मार्क्स का होगा। इसके लिए भी टाइम आपको 2.5, मतलब कि 2.5 घंटे का मिलेगा। निगेटिव मार्किंग 0.25। तो आइए इसका सब्जेक्ट वाइज देख लेते हैं।
फर्स्ट जो सब्जेक्ट है रीजनिंग, इसका 20 क्वेश्चन पूछेगा 20 मार्क्स के लिए। मैथ्स के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए। जनरल अवेयरनेस का आपको 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए। इंग्लिश एंड हिंदी को कंबाइन करके 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए, विच मीन्स कि 15 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे और 15 क्वेश्चन हिंदी से पूछा जाएगा। कंप्यूटर के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एंड लास्ट पोस्ट का जो है एग्जाम पैटर्न समझ लेते हैं। अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए 130 क्वेश्चंस रहेंगे 130 मार्क्स के लिए। टाइम मिलेगा 2.5 आवर्स, ये भी 2.5 घंटे को, और निगेटिव मार्किंग इसमें भी 0.25 की रहेगी। सब्जेक्ट वाइज देखा जाए रीजनिंग के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए, मैथ्स के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए, जनरल अवेयरनेस, करेंट अफेयर्स एंड कंप्यूटर तीनों को कंबाइन करके 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए, इंग्लिश एंड हिंदी के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए, विच मीन्स कि 10 क्वेश्चन इंग्लिश से रहेंगे और 10 क्वेश्चन आपको हिंदी के सब्जेक्ट से रहेगा। अब सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज आपसे 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए होगा। तो इसको कंप्लीट करने के बाद, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जब आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगी तो आपको क्या सैलरी मिलेगी मैं अभी आपको बता देती हूँ। लैब अटेंडेंट की पोस्ट के लिए आपको मिनिमम 18,000 की सैलरी होती है, एंड आफ्टर इंक्रीमेंट्स पर ईयर जो होगा उसके बाद आपका लास्टली जो फाइनल सैलरी मिलता है 56,900 रुपीज़ की सैलरी दी जाती है। जेएसए की पोस्ट के लिए फ्रेंड्स आपका रहता है 19,900 रुपीज़ टू 63,200 रुपीज़ रहता है। अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए 35,400 टू 1,12,400 रुपीज़। और सबसे ज़्यादा जो कम रस होगा ना वो आपको इसी पोस्ट के लिए होगा, क्योंकि जनरली बहुत कम बचे ना कॉमर्स वगैरह से बीकॉम जो ग्रेजुएशन करते हैं, तो अगर आपके पास भी ये डिग्री है तो आप अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए ज़रूर अप्लाई करना, सीट भी अच्छी खासी है। और अगर इस सब के बारे में और भी ज़्यादा जानना चाहते हो तो मेरी पुरानी वीडियो मिल जाएगी आपको मेरे चैनल पर। अदरवाइज इस अगर जॉब के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन चाहिए मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं पोस्ट कर दूंगी। तो मेरे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पे भी आप जाके मुझे फॉलो कर लो। वीडियो पसंद आए तो खूब सारा लाइक करना, सपोर्ट करना, फ्रेंड्स के साथ भी आप शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को आप ऑल पे सेट कर देना ताकि मेरी सारी फ्रेश न्यू वीडियो सबसे पहले आप सभी तक आए। तो मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।